नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अब सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को पकड़ने के लिए सीबीआई ने कैसे एक जाल बिछा दिया है और सीबीआई ने सुशांत के कातिलों को पकड़ने के लिए एक नया फैसला आजमाने की सोच ली है। तो कैसे अब सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों की बहुत ही जल्द गिरफ्तारी करने वाली है, जानने के लिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की टीम बहुत लंबे टाइम से छानबीन कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सुशांत सिंह राजपूत का केस सुलझ नहीं पा रहा है और इससे सीबीआई की परेशानी तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ सीबीआई के ऊपर सवाल भी उठने लग गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सीबीआई से कह रहे हैं कि सीबीआई जानबूझकर के इस केस को सॉल्व नहीं करना चाहती है। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं, अब सीबीआई की टीम ने इस केस में छानबीन करनी बहुत तेजी से चालू कर दी है और आने वाले दिनों में आप सभी को यह देखने को मिलने वाला है कि अब ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस सुलझने वाला है, बल्कि दोस्तों इस केस में कुछ ऐसे तरीके से सीबीआई की टीम जांच करने वाली है कि मुजरिम पकड़े ही जाएंगे। जी हां, आपको बता दें, सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के घर के आसपास ऐसी खबर आ रही है कि कुछ लोगों को खड़ा कर दिया है और सीबीआई की टीम चाहती है कि वो लोग लगातार सुशांत सिंह राजपूत के घर के आसपास नजरें गड़ा कर रखें और अपनी पैनी नजरें गड़ाए रहें और देखने की कोशिश करें कि सुशांत के घर के आसपास से कौन से लोग गुजर रहे हैं और साथ ही वो कौन से लोग हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। क्या सुशांत के घर में अभी भी कोई आता जाता है? क्योंकि अभी भी हो सकता है कि मुजरिमों को लग रहा हो कि सुशांत के घर में कुछ ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से वो पकड़ा सकते हैं और हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करें और इसके लिए वो हर संभव प्रयास भी करेंगे और सीबीआई यही एक गलती चाहती है मुजरिमों से और इसी वजह से सीबीआई ने कुछ ऐसे अपने जासूस लगा दिए हैं जो कि सुशांत के घर पर नजरें गड़ाए हुए हैं और वो अपनी पैनी नजरों से इस केस को सुलझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सभी देखेंगे कि जैसे ही कोई भी मुजरिम कुछ भी गलती करता है तो सीबीआई की टीम ने जो जाल बिछाया है उसमें मुजरिम फंस ही जाएंगे और जरूर मुजरिमों की गिरफ्तारी होने वाली है। दोस्तों, बात करें अगर फिलहाल इस केस की, तो जी हां, आपको बता दें, केस अभी भी बंद नहीं हुआ है और इस केस में अभी भी सीबीआई की टीम जांच जरूर कर रही है, लेकिन ये केस अभी भी सुलझ नहीं पा रहा और दिन पर दिन और भी ज्यादा उलझता जा रहा है, जिसके बाद सीबीआई की टीम की परेशानी बढ़ रही है और सीबीआई सोचने पर मजबूर है कि क्या जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया वो लोग एक बार फिर से पकड़ा पाएंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तक इस केस में बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो चुकी है और कई लोगों को तो उठाकर जेल में भी डाला गया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी ये केस पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है और आने वाले दिनों में सीबीआई की टीम इस केस को सुलझाने के लिए कुछ और भी पैंतरे आजमाने वाली है, जिसके बाद लगभग हर किसी को विश्वास हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सीबीआई सुलझा ही लेगी, क्योंकि सीबीआई की दिन रात की मेहनत अब रंग लाने लग गई है और अब तक कई सारे लोगों से जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में कई सारे बड़े खुलासे भी हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2020 को खत्म किया गया था और तब से लेकर अभी तक ये केस लगातार सुर्खियों में बना रहता है किसी न किसी वजह से और एक बार फिर से इस केस को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम हर संभव प्रयास कर रही है, हर पैंतरा लगा रही है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का मानना है कि अब सुशांत के केस को सुलझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।